हेलो एवरीवन, आई एम दीप्ति। वेलकम टू दीप्ति अभिजीत राठौर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ बनाने जा रही हूँ आलू प्याज का पराठा, एंड बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए रेडी कर रहे हैं डो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिया हुआ है आटा। आटे में ऐड कर दिया है हींग। हींग की क्वांटिटी 1 पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा ली हुई है मैंने। एंड उसके साथ यहाँ पे ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप थोड़ा सा देख के ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमें जो स्टफिंग इसकी रेडी करनी है आलू की, उसमें भी हमारा सॉल्ट होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना है। एंड उसके बाद इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा इसका टाइट डो नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। जितना सॉफ्ट होता है पराठा, उतना ही अच्छा बनता है। तो फिलहाल पहले मैं इसका डो लगा लेती हूँ। और आप देख सकते हैं इसको मैं हमेशा हैंड से ही, मतलब मैं कोई ऐसा डो मेकर या आटा मेकर इन सब का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हाथ से ही करती हूँ सारे काम, क्योंकि जो हाथ में परफेक्शन है वो किसी चीज़ में नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एकदम सॉफ्ट सा डो लग के रेडी हो गया है। और इसको आधा घंटे के लिए करीब ना अलग रख देंगे, थोड़ा सा फूल जाएगा तो और भी पराठा अच्छा बन के तैयार होते हैं। तो सबसे पहले इसलिए मैं डो लगाती हूँ, उसके बाद मैं स्टफिंग रेडी करती हूँ, क्योंकि उसे आटे को टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे लिया हुआ है मैंने 1 किलो से थोड़ा सा कम आलू है, मतलब आधा किलो से ज़्यादा, मतलब 1.25 किलो लगा लो इतना होगा। एंड यहाँ पे 4 बड़े साइज के प्याज हैं, इनको मैंने एकदम बारीक कट किया हुआ है, बहुत फाइन चॉप किया हुआ है, देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे धनिया पत्ती है, उसको ऐड कर दिया है इसमें। एंड उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे ग्रीन चिली। और ग्रीन चिली आप अपने जितना आपको तीखा खाना पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ये जीरा है, भुना हुआ जीरा ऐड किया हुआ है। गला बहुत ख़राब है गाइस, थोड़ा मैनेज कर लेना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एंड उसके साथ यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है गरम मसाला। एंड गरम मसाला ऐड करने के बाद इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे अपना नमक। आप और मतलब अपना टेस्ट देख सकते हैं कि आपका कितना आलू है, उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमने आटे में ऑलरेडी ऐड कर रखा होता है इसलिए। एंड उसके बाद रेड चिली पाउडर, और आपको जितना तीखा खाना पसंद है आप ऐसे ऐड कीजिएगा। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और इसके साथ बस फिर इसको हम प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्रॉपर मतलब इसका सारा मिक्सचर, क्योंकि सारा एक दूसरे में अच्छे से एडजस्ट हो जाना चाहिए, इसलिए मैं हाथ से इसको भी मैश करके अच्छे से मैंने रख दिया यहाँ पे। अब बनाना स्टार्ट करते हैं पराठा, तो देख सकते हैं। और चलिए, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी पराठा बनता है गाइस, एंड कभी ट्राई कीजिएगा। मतलब आलू का तो टेस्ट ही शायद ही सबको पसंद आता है, एंड उसके साथ साथ प्याज हो जाता है, तो जो उसका प्याज का टेस्ट आता है ना, वो मतलब 4 चांद लगा देता है आलू प्याज के पराठे में। तो ये आप देख सकते हैं, जब इसका पराठा बनाए ना, तो इसका जो हम लोग लोई बना के तैयार करते हैं, इसका किनारा हमेशा पतला रखें और बीच में थोड़ा सा मोटा रखें, क्योंकि देख सकते हैं जब हम फोल्ड कर रहे हैं ना, तो जो किनारा पतला वाला है वो एक जगह इकट्ठा होगा तो ऑलरेडी यहाँ पर मोटा हो जाएगा, जो बीच में मोटा है वो तो रहेगा, तो पराठा फटता नहीं है और बहुत अच्छे सा फूलता है। मतलब जो, और इसका जो क्या कहते हैं स्टफिंग होता है ना, इक्वली मतलब पूरे में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, और कब ऐसा नहीं होता है कि एक ही कोने में पता चले स्टफिंग पड़ी हुई है, तो इस तरीके से नहीं होता है, और पूरे में स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, मतलब कॉर्नर्स पे भी एंड बीच में भी, और पराठा फूलता भी बहुत अच्छा। तो चलिए पराठा फिलहाल तो इसको सेकते हैं और उसके बाद सर्व करेंगे इसको। अब चाय के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ जिसको खाना पसंद है, दही के साथ, तो उसके साथ में सर्व कर सकते हैं आप। एंड गाइस, जब हम पराठा तवे पे भी सेकते हैं तो थोड़ी सी ट्रिक्स होती है, ये होती कि मतलब जब हमारा पराठा एक साइड से हल्का सा रेड होने लगे, देख सकते हैं आप इसको जब पलटा है ना, हल्का सा आपका ब्राउनिश दिख रहा है ना, ये जब तक ये ब्राउन नहीं होता ना तब तक इसको पलटना नहीं चाहिए। अगर ऐसे पलट दोगे ना तो ये मतलब फूलता नहीं है उतना अच्छा, मेरा ट्राई किया हुआ है खुद का। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद इस पर आप लगाएंगे घी या बटर, आपको जिसमें भी सेकना है आप उसमें इसमें लगाइए। एंड उसके बाद इसको अच्छे से दोनों तरफ सेक लीजिए, एंड इसको गर्मा गर्म हमें सर्व करना है, और उसके बाद गर्मा गर्म पराठे के मजे लेने हैं। तो गाइस, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी बताइएगा ज़रूर आप लोग कमेंट्स करके, एंड आप लोग भी एंजॉय कीजिए। देख सकते हैं पराठा कितना अच्छे से फूला है ना, और ये ज़्यादा फूलने की वजह से इसकी साइड से मतलब यहाँ से ना भाप निकल गई है, तो अब ये नहीं फूलेगा, क्योंकि एक बार इसने बहुत तेज़ से ये फूला है, फूलने के बाद ये मतलब बस्ट हो चुका है। तो चलिए गाइस, देख सकते हैं पराठा बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन के हमारा तैयार हो चुका है यहाँ पर।
तो गाइस, तो अभी 1 बजने जा रहा है, 1:15 के करीब टाइम हो रहा है और मैं आरुष की क्लासेस वगैरह कराते कराते सारा बहुत लेट हो गया, तो मैंने जस्ट अभी शावर वगैरह लिया एंड कपड़े वगैरह बहुत हो गए थे वॉश करने के लिए। जब तबीयत ख़राब होती है तो बेड मतलब बिस्तर इस्तर पे सारे फिर मन नहीं करता, और फिर दोबारा सोने का थोड़ा सा ठीक होने के बाद। तो फिलहाल तो आज टाल वगैरह सारी वॉश करी है, बेडशीट वगैरह सारी रह गई है, वो नेक्स्ट देखते हैं कल करेंगे। एंड अभी मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, मन ही नहीं कर रहा है, इतना गले में पेन वगैरह हो रहा है ना अभी भी, मतलब उतना गला ठीक नहीं, खांसी आ जाती है तो पूरा गला दुख जाता है। तो चलिए पहले थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, उसके बाद आके गाइस आप लोगों से बात करूँगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया, फेस पे भी कुछ नहीं लगाया, मन ही नहीं कर रहा यार कुछ करने का, ऐसे मैंने सोचा पहले थोड़ी सी बात कर लूँ एंड उसके बाद कुछ और करूँगी। तो चलिए गाइस, जो अभी आपने रेसिपी मेरे साथ देखी है ये पहले की बनी हुई है। एक्चुअली मैंने अभी कोई किचन में तो मन ही नहीं कर रहा, तबीयत भी नहीं सही है, तो सारा मम्मी अभी लगभग कर रही है, मैं नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरी तबीयत नहीं इतनी ठीक है। तो ये पहले की बनी हुई पड़ी थी, बट क्या करें मतलब होता है ना, मजबूरी होती है, नहीं डालेंगे तो वीडियोज़ नहीं जाएंगे, इतने दिन की मेहनत हमारी वेस्ट हो जाएगी सारी, इसलिए डालना पड़ता है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा गाइस, एंड मैंने सोचा मेरे पास क्लिप है एंड इसके साथ में वीडियो बना के डाल देती हूँ तो कुछ तो हमारा पहुँचेगा ही, मजबूरी में कुछ भी करना पड़ता है हम लोगों को, है ना। तो चलिए गाइस, मेरा अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना गाइस, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। हवा बहुत अच्छी सी चल रही है। चलिए गाइस, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।